हेलो ऑल, वेलकम टू शिवांगी टैरो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपने पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे। ओके, व्हाई इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉरगेट समवन। ओके, आज का टॉपिक ये रहने वाला है। और दिवाली भी आ चुकी है, तो लेट मी विश ऑल ऑफ यू हैप्पी दिवाली। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, Seven of Pentacles. Now let me take some clarifiers for them. Queen of Wands. Ten of Wands. Two of Pentacles, Ten of Pentacles. तो आप अपने पर्सन को भूल क्यों नहीं पा रहे। द रीडिंग इज दिस। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। लेट मी मेक देम मोर विजिबल टू यू। आई होप यू कैन सी देम। So, in your case, मुझे ऐसा लग रहा है, ये देख के, कार्ड्स को देख के, कि आप अपने पार्टनर को लेके, अपने पर्सन को लेके एक अजीब सा पुल फील करते हैं, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, जो कि अब ज़्यादा हो गया है। इसीलिए नाउ यू आर इन पेन। ओके, इट्स नॉट फॉर ऑल। ओके, यू ऑल आर नॉट इन पेन, बट फॉर सम पीपल इट्स वेरी एविडेंट दैट यस, यू ऑल आर इन पेन। या यहाँ पर किसी ने झूठ बोला है, बातें छुपाई हैं। Somebody has lied to the person, because इसमें ऐसा लग रहा है, ये तो आप है ये, कि आपने अपने पर्सन से काफ़ी सवाल किए हैं और काफ़ी उनको पूछा है उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, और उन्होंने इतना ज़्यादा बर्डन फील किया है आपके सवालों का। या फिर देखिए, ऐसा होता है जब कोई झूठ बोल देता है ना, तो उसके बाद उसके साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हों, वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाता। आपने उन्हें कुछ ऑफ़र करने की भी कोशिश की शायद, बट वो जो है वो काफ़ी गुस्से में नहीं कहूँगी मैं, बट अपनी पावर में रहे, काफ़ी डोमिनेटिंग रहे, और उन्होंने आपके ऑफर को इतने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, और आपने इनको काफ़ी शायद इनसे झगड़ा कर लिया हो, या इन्हें डांट दिया हो इनके झूठ बोलने की वजह से, या कोई बातें छुपाने की वजह से, क्योंकि वो जो हैं उन्हें
काफ़ी बर्डन फील हो रहा है। अब या तो ये उनकी गलतियों के बर्डन है, ये फिर ये उनके कोई झूठ है उनका बर्डन है, और हो सकता है सॉरी बट आई कैन सी यू, हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको दो लोगों के बीच जगल किया है, और ये जगलिंग का कोई पॉजिटिव जगलिंग नहीं है। इस जगलिंग में वी हैव अ डेविल कार्ड, विच मीन्स ये है कि ये कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी। उन्होंने आपको किसी के साथ जगल किया है एंड दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। ओके, हो सकता है कि जिसके साथ आपको जगल किया है उस इंसान के साथ इनका कोई रोमांटिक या लविंग कनेक्शन नहीं है, बट उन्होंने उस इंसान को भी नहीं जाने दिया बिकॉज हो सकता है वहाँ मोर सेक्सुअल कनेक्शन कनेक्शन ज़्यादा हो और लविंग कनेक्शन कम हो। ओके, देयर थर्ड पार्टी इज़ मोर लाइक देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप। ओके, कुछ फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप लग रहा है मुझे थर्ड पार्टी, इसीलिए उन्होंने जगल किया, और आपके साथ ऐसा नहीं है। ओके, आपके साथ दे लव यू बट आपके सवालों से, आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो आपका जो मैग्नेटिक पुल है उन जो उनको खींचता है, तो वो आपके सवालों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ओके, क्योंकि वो ये क्लियरली फील कर पाते हैं कि एक अजीब सा अट्रैक्शन है आपके तरफ, तो जब भी वो ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं, आप 10 सवाल करते हैं, उनके पास कुछ जवाब नहीं होते, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे। ओके, और आप एकदम क्लियर एंड क्लैरिफाई कर देते होंगे उनको ऐसे कि जो भी चीज़ है मेरे सामने क्लियर करो और सच बताओ, क्योंकि आप ऐसे ही हैं, कोई झूठ वूठ पसंद नहीं है आपको रिलेशनशिप में ये सब हो, और फिर वो ऐसा फील करते हैं बर्डन्ड, क्योंकि उनके पास आंसर्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना जगल किया शायद टू सिचुएशंस को या दो लोगों को जगल किया है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ऑब्सेसिव कनेक्शंस। ओके, और आई वुड से सेक्सुअल कनेक्शंस। ओके, सेक्सुअल एनर्जी है दूसरे कनेक्शन में उनकी। अब आगे मैं ये कहूँगी कि वो काफ़ी सोच रहे हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में। ओके, वो काफ़ी सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने दो लोगों को भी जगल किया बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। ओके, जब उनकी एनर्जी ऐसी हो गई है, बर्डन फील कर रहे हैं एक मिनट, और ऐसे सैड फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया बट स्टिल वो सैड हैं क्योंकि उनके पास आप नहीं हो, विच मीन्स दे डोंट हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ द अबंडेंस कार्ड, सो नाउ दे आर इन बर्डन। ओके, इट्स अ हैवी बर्डन फॉर देम टू बी अलोन विदाउट यू एंड टू रियलाइज एवरीथिंग। ओके, कि सही क्या था, गलत क्या था, क्योंकि आपने तो जब आपने उन पर जब सवाल बरसाए या उनसे कुछ पूछा, तो वैसे घबरा गए, उन्होंने उसको ऐसे ब्लॉक किया है आपको। हो सक मैंने बोला तो शायद ऐसा हो सकता है रियल में आप लोगों को ब्लॉक किया हो, मुझे ऐसी एनर्जी आई, तो उनको ये क्वेश्चंस लगते हैं इतने सारे, और वो अपने आप को ऐसा घबराया हुआ फील करते हैं कि वो क्वेश्चंस को रोकते हैं, क्योंकि आप जो हो आप बहुत ही क्लियर कट बात करना पसंद करते हो। ओके, यू आर इन योर पावर। ओके, यू आर वेरी पावरफुल इन यू, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, यू आर नॉट समवन लाइक जो इजीली बातों में आ जाएगा या उसको बेवकूफ़ बना देंगे इजीली, ऐसा नहीं है आपके साथ। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू कि अगर आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ऐसे ही रहिएगा, हुएवर इट इज़ गर्ल और बॉय एनीवन। ओके, तो अब वो ये सोच रही है कि मैंने इतना कुछ तो करा। ओके, दिस इज़ अबाउट सेक्शुअल कनेक्शन, इतना कुछ तो करा, कितनी तो मैंने जगलिंग करी, बट स्टिल आई एम वेरी सैड एंड आई एम लुकिंग
वट वट आई हैव, ओके, वो तो बस देख रहे हैं कि मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ जो मेरे पास है अब, उससे भी मैं खुश कहूँ. दिस मैन इज़ वॉचिंग दीज पेंटिकल्स, दिस मैन इज़ वॉचिंग दीज पेंटिकल्स एंड लुकिंग सैड, ओके, लुकिंग वेरी सैड. एंड हियर वाई ही इज़ लुकिंग सैड, बिकॉज इतना कुछ करने के बाद भी अबंडेंस नहीं मिली. 10 ऑफ पेंटिकल्स तो नहीं मिले ना. हाउ मेनी पेंटिकल्स दीज आर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो ही हैज़, ही और शी, हूएवर द पर्सन इज, दे हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज दिस इज नॉट कम्प्लीट कम्प्लीट हैप्पीनेस. दिस इज द कम्प्लीट, सॉरी, दिस इज द कम्प्लीट हैप्पीनेस एंड अबंडेंस विच दे आर मिसिंग, विच दे वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज. दिस इज योर कार्ड एंड दे आर फीलिंग सैड विद वॉट एवर दे हैव. They have this, they have sexual connection, okay, but there is no care, there is no love, there is no affection, okay, which you guys can give to them, okay, so they are missing this. So now they're sad because they want all, but they don't have all, they have 7 only. So I hope, okay, metaphorically I'm speaking. इसीलिए आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ ऐसा भूल कर आपके सवालों के जवाब दे कर नहीं गए हैं, आपको एकदम ब्लॉक करके गए हैं. आपको इस रिलेशनशिप है या कोई पार्टनरशिप है आपकी, उसमें आपको क्लोजर नहीं मिला है, आपको कंक्लूजन नहीं दिया उन्होंने. उन्होंने बस बीच में से गायब होने का काम किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है. लेट मी सी मोर फॉर यू वॉट योर पर्सन इज गोइंग टू डू in this situation. Now they are feeling sad, they want the completion with you, they miss you. So now what they will do for this connection? Four of Pentacles, okay. Sorry. Ace of Swords, very good. Seems good for you. King of Wands. Well, that is the good news. That is a good news for you on this Diwali. Okay. तो इस आगे आगे तो जनाब ऐसा करने वाले हैं कि protect करने वाले हैं. Okay. आपका जो relationship है जो कि डूबता जा रहा है या फिर वो उनको ऐसा लग रहा है कि डूब रहा है, उनके पास सब कुछ नहीं है, तो वो उसको फटाफट प्रोटेक्ट करने वाले हैं. जितना पैर के नीचे आया दबा लिया, जितना हाथों में आया दबा लिया, जितना सर पे रख के ले गए, तो वो बच्चा कुचा जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप है उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आगे वो इसके लिए सोच रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए. प्लीज़ डोंट लाफ, ओके, मैं मेटाफोरिकली कैसे समझाती हूँ, बट दिस इज द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट आई गिव फॉर माई कार्ड्स, ओके, सो डोंट फील, डोंट लाफ, ओके, लाफ, आई एम लाफिंग, वाई वोंट यू, ओके. एंड इधर जब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेट मी शो यू, जब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते को, वो जैसा भी बच्चा है अब उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं. ये जो पहले सवालों से डर के भाग जाते थे, सवालों को बर्डन समझते थे, क्लैरिटी नहीं देते थे आपको, बिकॉज दे डोंट हैव आंसर्स, इसीलिए वो क्लैरिटी नहीं देते थे. पीपल डोंट स्टैमर, दे आर जस्ट टू फास्ट लाइक मी. क्लैरिटी नहीं देते थे आपको क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स थे, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आप सच बोलते हो, आप या तो सच बोलो, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ऐसे तलवार लेके रेडी रहते हो कि सामने आओ मेरे, मैं बताती हूँ. दिस इज़ योर एनर्जी एंड आई लाइक इट, दिस इज़ वेरी क्यूट, ओके, दिस इज़ वेरी क्यूट. तो वो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे, ये जैसे ये जो इंसान है अपने पेंटिकल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और फिर इस सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी. ये बर्डन और झूठ की एनर्जी, ये जगलिंग की एनर्जी ख़त्म होने के बाद इस सिचुएशन में आएगी क्लैरिटी. एस ऑफ सोर्ड्स, सच बाहर आएगा, कुछ चीज़ सामने आएंगी, क्लियर होंगी, और फिर वो भी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, जैसे आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं.
ये मेल फीमेल आप अपने ऊपर जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा. मैं आई एम अ गर्ल सो इट्स काइंड ऑफ सुटेबल फॉर मी टू टॉक लाइक दैट. तो आप जिस एनर्जी में थे फिर वो इस एनर्जी में आ जाएंगे. ओके देन यू विल बी लाइक किंग एंड क्वीन, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ये लेट्स हैव अ पार्टी. सो ऐसा करना, ऐसा तो कुछ आई डोंट नो, ज़रूर करिएगा पार्टी. बट मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर वो क्लैरिटी लेकर आएंगे सिचुएशन में और उसके बाद वो भी किंग ऑफ वैंड्स बन जाएंगे. आप तो पहले से ही क्वीन ऑफ वैंड्स हैं एंड बोथ आर मेड फॉर इच अदर, ऐसा हो जाएगा. ओके तो आज तो बहुत मज़ा आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो जो हैं आप इतनी एनर्जी, इतने पावर में थे कि आप अपने पर्सन के आगे झुके नहीं कि इट्स लाइक मुझे सच ही जानना है, आई एम नॉट अ क्राई बेबी. ओके व्हाट एवर यू डू टेल मी द ट्रुथ. ऐसे ही रहिएगा, आप जैसे लोगों की बहुत कमी है. ओके वी डोंट वॉन्ट पीपल हु क्राई ऑन एवरी सिचुएशन, सो यू शुड नॉट क्राई, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स हाउ, जैसे आपने किया ऐसे ही आप सब अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स से. ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल अपलोड मोर वीडियोज़. तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है लाइक माई वीडियो, ओके सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करके बताइए कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई या नहीं. ओके So thank you so much. Bye-bye.